कड़ा प्रसाद दोस्तों, आज की रेसिपी है गुरु पूर्व। आजकल में शुरू होने वाला है, गुरु नानक बर्थडे भी है, तो उस शुभ अवसर पर ये कड़ा प्रसाद मैं आज बनाऊंगी। गुरुद्वारे में जो लोग गुरुद्वारे गए होंगे उनको ये पता होगा कि ये सिंपल सा और बहुत ही प्योरिटी लिए हुए खास इसका फ्लेवर होता है। इस प्रसाद का पंजाबी में इसको कड़ा प्रसाद बोला जाता है, तो इसको हम बनाएंगे मात्र 4 चीजों से मिलाकर। और दोस्तों मैं बिल्कुल इसका सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी इसको बनाने का। नमस्कार, मसाला भाई माला के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक कप मैं गेहूं का आटा ले लूंगी। इसमें गेहूं का आटा इस्तेमाल होता है, गुरुद्वारे में जो बनता है उसमें मोटा आटा होता है। तो मैं अपने घर के नॉर्मल आटे से एक कप गेहूं का आटा ले लिया। चलिए शुरू करते हैं, एक सीरा बनाएंगे। सबसे पहले मैंने गैस ऑन करके रख लिया बर्तन। बर्तन में मैंने डाल लिया दोस्तों 2 कप पानी, और 2 कप पानी में डालेंगे 1 कप चीनी। ये मेजरमेंट से आप बनाइए, आपका जो हलवा है कड़ा प्रसाद बहुत बढ़िया बनेगा। तो इसमें मैंने 2 कप पानी में 1 कप चीनी डाल दिया। चीनी और पानी अच्छे से घुल जाएगा तो ये हमारा सीरा तैयार हो जाएगा। तब हम सेकंड स्टेप पर जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या रहेगा वो हम आगे देखेंगे। दोस्तों ये कड़ा प्रसाद नाम में ही कड़ा है, यानी कढ़ाई में ये बनता है। तो चलिए मैंने कढ़ाई रख ली है, और क्या किया दोस्तों, 1 कप मैंने यहाँ पर देसी घी, प्योर देसी घी लिया है, जिससे ये हमारा कड़ा प्रसाद बनेगा बहुत ही फ्लेवरफुल। और इसमें डाल लिया 1 कप मैंने गेहूं का आटा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, जो गुरुद्वारे में यूज होता है वो थोड़ा सा दरदरा पिसा हुआ आटा रहता है, जिसे करकरा आटा भी बोला जाता है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। और लेकिन हमारे घर में ये नॉर्मल आटे से भी हम इसको बना सकते हैं। तो थोड़ा इसको भूनने में ही टाइम लगता है। आटा मैंने डाल दिया, और घी को आटे को बिल्कुल गैस को स्लो करके इसको भूनेंगे जब तक आटे का कलर नहीं चेंज हो जाता। धीमे धीमे देखिए खुशबू आने लगी है, और आपको धीरे धीरे आटे में चेंजेस भी दिखाई देंगे। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, कहीं से भी देख रहे हैं, वो स्टेट का नाम मेंशन कीजिए। ये देखिए कलर चेंज हो गया मेरे आटे का, देख रहे हैं ना, साफ कलर चेंज हो गया। यहाँ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें डालें चाहे ना डालें। तो घर में मैं बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डाल दिया इसके अंदर। इसी के संग ड्राई फ्रूट भी भुन जाएगा हमारा। ये जो मैंने चीनी वाला पानी तैयार किया था, सीरा बोलते हैं जिसको, वो मैंने अपने आटे में डाल दिया। इतने ही भूनने पर हमने पानी इस्तेमाल करना है। अभी तक मेरा गैस स्लो है, अब मैंने गैस को लो मीडियम कर दिया है। ये देखिए 1 कप चीनी, 1 कप आटा, 2 कप पानी, परफेक्ट मेजरमेंट। 1 कप घी, 1 से 1.25 कप के बीच में घी लगेगा इसमें। तो ये नाप से बनाइए, आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। आटे का हलवा जो है बहुत ही परफेक्टली बनेगा। अब 3 से 4 बड़े चम्मच देसी घी और डाल देंगे ऊपर से। आपने देखा है ना गुरुद्वारे में जो हलवा मिलता है उसमें हम खाते हैं, हाथ में दिया जाता है तो हाथ में भी घी कितना बच जाता है, वो फ्लेवर ही उसको बिल्कुल अलग बनाता है। तो पर गुरुद्वारे का जो फ्लेवर है वो तो घर में नहीं आएगा, मिलता जुलता तो टेस्ट बना ही सकते हैं। तो चलिए इसको चला लेंगे, घी वगैरह सब मिक्स हो गया, गैस ऑफ कर दी हमने। और अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम एक उसमें निकाल लेंगे छोटे से डोने में। ये डोना आप देख सकते हैं, अक्सर वहाँ पर दूसरे डोना होता है, ये डोना है, इसमें मैं सर्व कर रही हूँ। देख लीजिए कितना परफेक्ट कलर आया है। और देखिए दोस्तों, प्रसाद तो भोग लगने के बाद ही बनता है, तो ये आटे का हलवा आप कह सकते हैं। कलर देख लीजिए, देख के ही कितना अच्छा लग रहा है। और दोस्तों ये रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो ये लाइक का बटन जरूर दबाएं। अभी तक सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, नीचे बेल का निशान रहता है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है ज़रूर कमेंट कीजिए, अपने नियर डियर के संग ये रेसिपी शेयर कर सकते हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए सबका दिल से आभार, नमस्कार। आने वाले गुरु पर्व गुरु नानक बर्थडे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में हमारी पूर्णिमा भी है, तो सभी को पूर्णिमा की शुभकामनाएं।